नाउ वी विल बी गेटिंग इन टू कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग. कॉन्टोरिंग हम करते हैं जस्ट टू पुश दैट एरिया टूवर्ड्स इन. सो सपोजिटली अगर आपकी चिन हैवी है, अगर आपको चीक्स बहुत ज़्यादा राउंड लग रहे हैं, हैवी लग रहे हैं, सो जस्ट अ टेम्प्ररी सोल्यूशन दैट यू कैन यूज़ अ डार्कर शेड जस्ट टू पुट अ शेडो एंड पुल दैट इन. हाईलाइटिंग विल डू इट ऑन द जोन्स दैट वी वॉन्ट टू ब्रिंग फॉरवर्ड, जो हमें और ब्राइट दिखाने हैं. फॉर दैट एंड आई विल बी टीचिंग यू वॉट आर द हाईलाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग एरियाज. सो आई विल ड्रॉ अ मैप एंड आई विल शो यू. आई एम यूजिंग अ पॉट कंसीलर जिंजर बाय नार्स फॉर माय हाईलाइटिंग. हाईलाइटिंग के लिए मेक श्योर यू जस्ट मेक अ वी. आई विल जस्ट गेट इनटू कि कहाँ से कहाँ तक है आपका. डरिए मत, अगर आप एक्सेस प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हैं, यू नो कि वो फ्रेश ब्रश से निकल जाएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक अ वी स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर लिड एरिया ऑफ योर आई टिल द एंड ऑफ योर नोज एंड टिल द एंड ऑफ योर ब्राउज, लीविंग टू डिस्टेंस फ्रॉम योर माउथ. दिस इज़ द आइडियल वे हाउ यू हैव टू डू योर हाईलाइटिंग. आप अपने इनर लिड से शुरू करिए, एंड ऑफ द योर नोज एंड टू द एंड ऑफ योर आईब्रोज. डोंट एक्सीड मोर देन दिस. ट्राई कि आप इसी के अंदर अपना सर्कुलेशन ऑफ कंसीलर करें. सेम, ब्रिंग इन फॉरवर्ड टिल द एंड ऑफ योर नोज, टिल द एंड ऑफ योर ब्राउज. एंड जस्ट फिल इन दिस एरिया. Will be highlighting our forehead, all the areas, forehead, your under eye area, chin and upper cupid's bow. These all are the areas that you want to bring forward. So just make sure itna aapne fill kiya. Aapki jo midpoint of the eyebrows hai, you will only make sure that you highlight only till there. That's your point to notice कि आपने कितना highlight करना है. Now you will highlight the nose area and ये भी मैं आपको purpose अभी बताऊँगी कि ये हम क्यों करते हैं. Around your lips, on your chin and your cupid's bow a little. थोड़ा आप अपने लोअर चिन को भी हाईलाइट कर लीजिए सो दैट वो इवन टोन रहे. सो दिस इज़ द एग्जैक्ट मैप ऑफ हाईलाइटिंग, यू कैन सी. सो नाउ वी विल गेट इनटू कॉन्टोरिंग. कॉन्टोरिंग के लिए मैं सिनेमा सीक्रेट्स की पैलेट यूज़ कर रही हूँ. यू कैन यूज़ एनी कॉन्टोरिंग पैलेट एज आई टोल्ड यू. कॉन्टोरिंग के लिए आप अपना कोई भी थिन ब्रश ले लीजिए. So I will be simply going in this dark brown and a little darker than that shade. You have to make sure on top of your ear, again leaving two fingers from the nose. So that is going to be your map. ये आपकी cheekbone आप feel कर लीजिए. You have to exactly do it that way. So that is it. Again, top area of the bone and leaving two fingers. Just make sure कि आपने जो दोनों जगह करी हैं those are equal. Even if you've gone a little extra, no problem. Since I'm just using the phone to record. So now on the hairline. हेयरलाइन पे हम इसलिए करते हैं बिकॉज यू डोंट वांट दैट फाउंडेशन शेड टू गो. आपकी हेयरलाइन जितनी जितनी पास आती जाती रहती है उतना आपका स्किन नेचुरल लगनी चाहिए. जस्ट टू पुट इट ऑन द साइड्स टू मेक इट अ लिटिल चिजल्ड. अपनी चिन पे करिए. योर क्यूपिड्स बो एंड अंडर द लिप्स. For your nose contouring, just follow this extra line that you have.
and create it like this and just cut the nose. You, ये हम इसलिए करते हैं because you don't want the nose to do very endless. So for that and supposedly अगर आपका माथा बहुत बड़ा है तो आप ज़्यादा contouring करेंगे and कम highlighting करेंगे because you don't want to bring that forward. If अगर आपका माथा बहुत छोटा है तो आप ज़्यादा highlighting करेंगे और कम contouring करेंगे. Contouring basically होती है उस area को और छोटा करने के लिए, highlighting होती है to make it a little bigger. Can see so. मैंने अपना beauty blender wet कर लिया है. We will just dab in the highlighted areas first and then we will go to our contouring. Just dab dab motion. देख रहे हैं ब्लेंडर से कितने इजीली वो ब्लेंड हो रहा है अंदर स्किन के. सेम यू विल गो ऑन द अदर साइड, जस्ट टैप टैप मोशन एंड ब्लेंड दैट इन. Now you will turn the beauty blender and go on the contouring areas. Simply just push the cheek contouring downwards so that आप ये portion को थोड़ा अंदर pull in कर पाए. To the neck nose area, just blend that contour. Now you will make sure जो आपका cheek वाला है उसको आप upwards की तरह contour करेंगे, blend करेंगे. So and make sure no harsh lines are there. That was pretty much your contouring. Now we will fix the face with a translucent powder. So I hope you guys have enjoyed the contour and highlight technique. Do practice it. Dekhiye, bar bar kariye and bar bar practice karne se you will be able to achieve that look. And this is the final look. You can see so. From a light. Kar deti hu. So I hope that you guys have enjoyed the entire look and you guys will practice.